उद्धव के लिए एनडीए के बंद हो गए हैं दरवाजे। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी से हाथ नहीं मिला सकते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अच्छे संबंध के रास्ते बंद कर दिए। उद्धव और बीजेपी के बीच की गाढ़ी हो गई है लकीरें, साथ नहीं आ सकते। उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रिश्ते में क्या कहीं कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश रह गई है? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब बहुत ही कम देर बची है। ऐसे में देश में जैसे भगदड़ देखने को मिल रही है, लोग पाला बदलने की जैसे हर पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं, जिसकी कहीं कोई उम्मीद नहीं है वो तक पाला बदल ले रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी तो बीजेपी ने रास्ते बंद ही कर दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पहल की तो फिर बीजेपी ने भी अपने पाले में उन्हें लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि नीतीश की तरह ही क्या उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी का सहारा मिल सकता है? हालांकि ऐसी किसी भी बात से देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच में डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी से साफ इनकार कर दिया है। गेटवे ऑफ इंडिया पर लोकमत का एक कार्यक्रम था जिसमें देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही उद्धव ठाकरे के साथ भी गठबंधन हो सकता है, तो देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल के जवाब में साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजनीति में सभी का अपना अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई। देवेंद्र फडणवीस ने फिर उद्धव के बारे में विस्तार रूप से बात करते हुए ये भी कहा, उद्धव ठाकरे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीजों ने दिलों को चोट पहुंचाई है, और जहां दिल को चोट पहुंचती है वहां कुछ नहीं हो सकता। विभिन्न विचारों के लोग एक साथ आ सकते हैं, लेकिन यहां मुश्किल है। मतलब देवेंद्र फडणवीस ने तो ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद से उद्धव ठाकरे ने हमेशा बीजेपी के विरोध में ही बात की है। अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर भी, और फिर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ उल जुलूल बातें ही की। ऐसे में उद्धव को मनाने की बीजेपी की कोई कोशिश नहीं है, और अगर उद्धव भी आना चाहे तो देवेंद्र फडणवीस की बातों से लगता है कि उसकी भी कोई जगह नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे भी उद्धव पर तीखा कटाक्ष कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना अधिवेशन में कहा है, उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं बल्कि दो बार बीजेपी के साथ बेईमानी की। बाला साहेब जब जीवित थे तब मातोश्री एक पवित्र मंदिर था। बाला साहेब सभी शिव सैनिकों के देवता थे, उनके पुण्य को आपने बेचा। शिंदे उद्धव का ही साथ छोड़कर आए हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अक्टूबर 2019 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का फैसला किया था। इसी के बाद से शिवसेना में भी कुछ शिव सैनिकों का जैसे दम घुटने लगा था, जिनमें सीएम शिंदे के साथ उनके कुछ और साथी भी थे। 2022 में शिवसेना में फूट पड़ गई थी और एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और राज्य में बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार बनी थी। और अब तो इस गठबंधन वाली सरकार में एनसीपी का अजीत गुट भी शामिल हो चुका है, क्योंकि शरद पवार को झटका देकर अपने साथ कई विधायकों और सांसदों को लेकर अजीत पवार ने भी तो बीजेपी का ही साथ चुना है। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से नीतीश की तरह उद्धव के बीजेपी के साथ आने की हर गुंजाइश को ही खत्म कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।